तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो वापस आ चुके हैं GTA 5 की एक और नई वीडियो के साथ और अपनी इंडियन कास्ट के साथ। और गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं GTA 5 में यार वाटर स्लाइड चैलेंज, और देखने वाले हैं कि अपनी कौन सी इंडियन कार जो है यहाँ पे भाई अपना स्लाइड चैलेंज भाई पूरा कर पाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को ये स्लाइड्स दिखा देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे लगी हुई है 2 स्लाइड, और एक स्लाइड जो है भाई यहाँ पे आती है और सिंपली भाई नीचे जाके भाई सीधी ख़त्म हो जाती है। लेकिन यार इतनी सीधी स्लाइड पर हम लोग क्या करेंगे, हमें तो यार पसंद है भाई टेढ़े काम। तो भाई हम लोग आने वाले हैं इस टेढ़ी मेढ़ी वाली स्लाइड्स, और यहाँ पे ना हमने पानी का भी भाई पूरा इंतजाम करके रखा है। अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे पानी भी बह रहा है, जिससे अपनी गाड़ियाँ अच्छे से भाई जो है फिसलने वाली हैं यहाँ पे। तो यहाँ से भाई अपनी इंडियन कार नीचे जाएगी और देख सकते हो कितनी ज़्यादा भाई गोल गोल वाली स्लाइड है। और फिर यहाँ पे आके जो भी अपनी इंडियन कार भाई यहाँ पे भाई सेफली लैंड कर जाएगी अपने गोल वाले टारगेट पॉइंट पे, वो हो जाएगी विनर। और यहाँ पे गोल गोल घूमने में ना अपनी इंडियन कार भाई नीचे भी गिर सकती है। तो देखते हैं अपनी कौन सी गाड़ी भाई यहाँ पे अपना स्लाइड चैलेंज कर पाती है। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारी सबसे पहली गाड़ी है वो है अपनी महिंद्रा की बुलेरो। तो यार लेके चलते अपनी बुलेरो को और देखते हैं भाई क्या सीन रहता है अपनी बुलेरो का यहाँ पे। और ये चलिए भाई अपनी बुलेरो यहाँ पे, अरे भाई ये तो ऊपर ही चढ़ना शुरू हो गई है भाई, स्पीड पकड़ते हैं यहाँ पे। ओह तो गाइस यहाँ पे आप लोग देखते हैं बुलेरो भाई कितना गोल गोल घूम रही है भाई साहब, चक्कर ना आ जाए अपनी गाड़ी को यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे जो अपनी बुलेरो है भाई वो भाई साइड में आके गिर चुकी है, और भाई इसका तो यार बोनट वोनट फट गया आगे से इतने में ही। तो फिलहाल जहाँ पे अपनी बुलेरो यार ये अपनी चैलेंज जो है फेल हो चुकी है। यार जब भी गाड़ी अपनी गोल गोल घूमती है ना, तो भाई बाहर की तरफ गिरने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, और यही तो यार अपने इस रैम का ट्विस्ट है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा थार की, और देखते हैं जब अपनी थार है भाई इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहती है। और भाई ये भी ऊपर चढ़ रही है और मुझे लग रहा है कभी थार ना नीचे गिर जाए। ओहो यार कुछ ज़्यादा ही स्पीड से जा रही यार ये वाली गाड़ी अपनी। ओहो तो भाई साहब ये ओह बच गई यार, बच गई, मुझे लगा था कभी नीचे घुस जाएगी अपनी थार। ओह क्या बात है यार। तो गाइस यहाँ पे अपनी थार है पहली गाड़ी बनती है जो कि यहाँ पे अपना यार चैलेंज पूरा करके आई है। तो भाई इसको मैं ना जल्दी से जो है यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, और गाड़ी की हालत भी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, साइड से ना इसके जो एजेस है भाई वो घिस गए हैं यहाँ पे। तो ये हो गई अपनी थार यहाँ पे पार्क। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी किया सोनेट की, और देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। तो ये चले अपनी किया सोनेट यहाँ पे। ओह भाई साहब पहले ही चढ़ गई ऊपर, भाई कैसे जा रही है। ओ भाई साहब गेट निकल गए, गाड़ी उल्टी हो गई है यार, फिसल के बहुत ही तेज़ी से नीचे जा रही है। ओह तो गाइस यहाँ पे जो अपने किया सोनेट यार देख लो उल्टी नीचे आई है भाई, मतलब अलग ही सीन हो गया यहाँ पे। तो अब मैं इसे जल्दी से जो उतर जाता हूँ, और भाई लो इसका दरवाज़ा भी यहाँ पे हम लोग के पास आ चुका है, और गाड़ी से ना भाई आवाज़ें सी आ रही, भाई धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो कैसे शायद उल्टी हो गई, शायद इस वजह से भाई इसका ना फ्यूल व्यूल का कोई पंगा हो गया है। तो फिलहाल मैं ना इसको यहाँ पे साइड में खड़ा करवा देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर की, और देखते हैं अपनी लेजेंडर के यहाँ पे क्या सीन रहता है। काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम गाड़ी हो भाई साहब, उल्टी पुल्टी हो रही है यहाँ पे अपनी लेजेंडर। और ये चली भाई गोल 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 गोल, ओ हो। और यहाँ पे गाइस अपनी लेजेंडर यार वो भी आ चुकी है, और भाई रुक जा रुक जा रुक जा, ओह पानी में। तो गैस यहाँ पे जो अपनी लेजेंडर है वो सीधा फिसल के पानी में ही चली गई थी यार, इतनी ज़्यादा मतलब कि स्पीड में थी। और गाड़ी की जो हालत यार वो आप लोग चेक करो यार, नंबर प्लेट तो भाई पूरी टेढ़ी हो चुकी है, और आगे से लग रहा है भाई जैसे गाड़ी को कोई खा गया हो भाई, एकदम अजीब सी हालत हो गई। और साइड से भी यार अच्छा खासा इंपैक्ट आया इस पर, और ये भाई साहब तो धुआं ही दे रहे हैं यहाँ पे। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो S11 की, और देखते हैं आज अपनी स्कॉर्पियो है यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। मुझे लग रहा है ये गाड़ी अपनी काफ़ी स्पीड में जाएगी। ओह भाई पूरी ऊपर चढ़ रही है। तो ये चलिए अपनी स्कॉर्पियो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही है भाई साहब। तो गैस यहाँ पे अपनी स्कॉर्पियो इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि यार जो अपनी स्लाइड की बाउंड्रीज थी भाई उस पर चढ़ के भाई सीधा बाहर ही आके गिर गई है। तो यहाँ पे आप जो अपनी स्कॉर्पियो है ये भी अपने चैलेंज में जो है फेल हो जाती है, सीधा पानी में आके गिरी है। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV 500 की, और देखते हैं जब अपनी 500 यहाँ पे भाई क्या कमाल करने वाली है। तो ये चलिए भाई अपनी 500 यहाँ पे और काफ़ी स्पीड में जा रही है। ओहो भाई साहब नाच रही है पूरी गाड़ी यहाँ पे गोल 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 गोल, और भाई बाहर आ गई। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी XUV 500 यार ये भी अपने चैलेंज में जो है फेल हो चुकी है, क्योंकि यार बड़ी गाड़ी ना भाई ऊपर चढ़ जा रही है भाई अपनी बाउंड्रीज के। तो यार इसको भी ना यहाँ से जल्दी से जो है निकाल देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा हैरियर की, और ये गाड़ी भी ना काफ़ी भारी भरकम गाड़ी, देखते हैं आज अपनी हैरियर है यहाँ पे भाई कैसा कमाल करने वाली है। और ये भी ना मुझे लग रहा है भाई ऊपर चढ़ ही जाएगी, टायर भी इसके काफ़ी बड़े हैं। और यहाँ पर देखते भाई अपनी हैरियर जो है भाई ये भी बाहर आके गिर गई। ओ भाई साहब यार इतनी ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ जो थी भाई सीधी सीधी भाई बाहर ही आने वाली मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर अपनी हैरियर है फिलहाल वो भी जो है फेल हो गई अपने चैलेंज में, उस पर डेंट तो यार बिल्कुल भी नहीं आया भाई, डैमेज नहीं है इस गाड़ी बिल्कुल भी। तो भाई यार अब बड़ी गाड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा ले ली, तो हमने सोचा कि एक छोटी गाड़ी को लेकर चलते हैं, यानी कि जो नीची गाड़ी हो यहाँ पर है भाई अपनी डिज़ायर। और देख सकते भाई ये बाउंड्री पर तो मुझे ही लग रहा है कि चढ़ने वाली है, फिलहाल कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, देखते हैं जो अपनी डिज़ायर है यहाँ पर कैसा करने वाली है। ओह
तो भाई साहब यहाँ पे डिजायर भी देखो काफी ज्यादा जो है भाई स्पीड में जा रही हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि ये गाड़ी नीचे गिरेगी, और भाई मेरा लगना एकदम गलत था। और यहाँ पे जब अपनी डिजायर यार ये भी नीचे गिर गई है, और यार गाड़ी की जो हालत यार देख ही सकते हो भाई, आगे से मुझे लग रहा है इसकी बैंड बच चुकी है। ओहो इतनी ज़्यादा बैंड तो नहीं बजी है, फिलहाल मैं इसको जो है बाहर निकाल देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी महिंद्रा की XUV 700 की, और देखते हैं भाई अपनी XUV का यहाँ पे क्या सीन रहता है। और ये चीज़ भाई अपनी XUV यहाँ पे भाई साहब उल्टी हो चुकी है गाड़ी अभी से ही, और काफ़ी ज़्यादा तेज़ जा रही है। अरे भाई ओहो भाई पूरी छत के बल जा रही है, और यहाँ पे गए जो अपनी XUV यार क्या आई एकदम स्मूथली आई है यार, मतलब टायर तो इसके साइड में हो गए थे, तो यहाँ पे जो छत की हालत है वो आप लोग देख सकते हो, टायर की जगह यहाँ पे छत घिस चुकी है अपनी। तो फिलहाल जो XUV भाई इसको मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, तो ये हो गई यहाँ पे अपनी ये गाड़ी भी पार्क, और कंडीशन भी इसकी काफ़ी सही है भाई, इतनी यार डैमेज भाई एक ही साइड से आई जिस साइड से रगड़ रही थी। तो कैसा बारी आती है यहाँ पे अपनी होंडा सिटी की, और देखते हैं आज अपनी सिटी है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली। वैसे तो यार इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये सेडान गाड़ी है, फिलहाल तो डिज़ायर भी सेडान ही थी, लेकिन हुआ यहाँ पे बिल्कुल भी उल्टा। और यहाँ पे क्या सिटी है काफ़ी ज़्यादा जो है भाई स्पीड में जा रही है। ओहो तो क्या यहाँ पे जो अपनी होंडा सिटी है भाई ये भी अपने चरम जो है भाई फेल हो चुकी है, सीधा पानी में आके गिरी है, तो यार ये गाड़ी भी अपनी यहाँ पे फेल हो जाती है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी किया सेल्टॉस की, और यार सोनेट की तो भाई हालत देखी थी, वो गाड़ी तो उल्टी गई थी नीचे, देखते हैं तो अपनी सेल्टॉस है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। और ये चली भाई अपनी सेल्टॉस यहाँ पे, ओह भाई मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, और यहाँ पे तो भाई सेल्टॉस भी उल्टी हो रही है। ओहो तो गाइस यहाँ पे अपनी सेल्टॉस है भाई अपने चैलेंज को भाई बीच ही में छोड़ दिया, मतलब कि यार इस साइड आके गिर गई है ये, और अपनी ये गाड़ी भी जो है अपने चैलेंज में फेल हो चुकी है, सीधा पानी में आके गिरी है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी यार लैंड रोवर डिफेंडर की, और देखते हैं भाई जो अपनी डिफेंडर है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाली है। काफ़ी दमदार कार, लेकिन दम से तो भाई यहाँ पे मतलब है ही नहीं, तो देखते हैं यहाँ पे डिफेंडर का क्या सीन रहता है। ओह भाई साहब ऊपर चढ़ रही है, अरे भाई मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे डिफेंडर आई है, ये भी छटक के जो है भाई बाहर आ चुकी है, और गाड़ी जो है भाई यहाँ पे क्या लैंडिंग है यार। तो भाई यहाँ पे अपनी डिफेंडर है ये भी अपने चैलेंज में फेल हो चुकी है, तो मैं इसको जो यहाँ से हटा देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी एक और भारी भरकम गाड़ी अपनी टोयोटा लैंड क्रूज़र की, और देखते हैं आज अपनी लैंड क्रूज़र है भाई यहाँ पे क्या अपने नीचे तक भाई पहुँच पाएगी भाई सेफली। और काफ़ी हैवी कार है तो मुझे इसके उड़ने के चांस तो यार काफ़ी कम लग रहे हैं। और यहाँ पे ओरे भाई तो गाइस यहाँ पे तो यार अलग ही सीन हो गया, अपनी भाई जो लैंड क्रूज़र भाई ये भी उड़ के बाहर आ चुकी है, और भाई हालत गाड़ी की भाई आगे से टेढ़ी हो चुकी है, तो ये गाड़ी भी जो अपनी इस चैलेंज में जो है फेल हो जाती है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी ओल्ड वाली टोयोटा फॉर्च्यूनर, क्योंकि यार इसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो देखते हैं आज अपनी ओल्ड वाली फॉर्च्यूनर है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। अरे भाई यार मतलब निकलते ही टक्कर हो गई यहाँ पे, खैर कोई बात नहीं नीचे लेके चलते हैं। और ये चली भाई जो पुरानी वाली फॉर्च्यूनर यहाँ पे, ओहो भाई छत के बल, और गाइस यहाँ पे जो मुझे लग रहा है अपनी फॉर्च्यूनर का भाई गेट भी निकल चुका है, और भाई यहाँ पे जो अपनी फॉर्च्यूनर 2014 वाली वो भी जो है भाई यहाँ पे पहुँच चुकी है, तो भाई इसको भी ना जल्दी से यहाँ पे पार्क कर दो। पीछे का गेट निकला है, मैं तो ये सोच रहा हूँ पीछे का गेट कैसे निकल आया। तो ये हो गया ये यहाँ पे अपनी गाड़ी भी पार्क, और भाई साइड के शीशे तो इसके एकदम फूट ही चुके हैं। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा की, और आप लोग यार कमेंट करते हो कि यार ये वाली गाड़ी भी ले आओ, यार वो वाली गाड़ी भी ले आओ, लेकिन यार आप लोगों की बात समझनी पड़ेगी कि यार जिस गाड़ी का मॉड अवेलेबल है सिर्फ वही गाड़ी हम लोग GTA में ला सकते हैं, और जिसका मॉड अवेलेबल नहीं है वो नहीं आ सकती। तो भाई जैसे ही हर गाड़ी का मॉड अवेलेबल होगा भाई हम लोग लेके आएंगे भाई, सारी ही गाड़ियाँ लाएंगे हम, पूरी कोशिश करते हैं भाई जितनी गाड़ियाँ भाई सबको ही ला पाएँ। तो फिलहाल लेके चलते हैं अपनी इनोवा को, और देखते हैं भाई जो अपनी इनोवा है यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती है। और ये चली भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा, ओहो भाई साहब ऊपर चढ़ रही है, और गाइस यहाँ पे जो अपनी क्रिस्टा यार ये भी जो है भाई बाहर आ चुकी है निकल के, तो अपनी क्रिस्टा भी जो यहाँ पे अपने चैलेंज जो है फेल हो जाती है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी भारी भरकम फोर्ड एंडेवर की, और देखते हैं भाई जो अपनी फोर्ड एंडेवर है यहाँ पे इसका क्या सीन रहने वाला भाई, अभी से ऊपर चढ़ रही है तो। और यहाँ पे गाइस गाड़ी काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिसबैलेंस हो रही है, और भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड में नाच रही है। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी फोर्ड एंडेवर है भाई ये भी उड़ के जो है बाहर आ चुकी है, लेकिन यार ठोकर लगने के बाद भाई एक तरफ के दोनों शीशे गायब हैं, एक तरफ के दोनों शीशे लगे हुए, और भाई डैमेज ना गाड़ी पे इतना ही आया भाई, इसके अलावा कुछ हुआ नहीं है। तो फिलहाल जब अपनी एंडेवर यार ये भी अपने चैलेंज जो है फेल हो चुकी है। तो कैसा बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा नेक्सॉन की, और देखते हैं जो अपनी नेक्सॉन है इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे कैसी रहने वाली है। और ये चली भाई अपनी नेक्सॉन यहाँ पे भाई उल्टी हो गई, गाइस अपनी गाड़ी जो है भाई उल्टी, ओहो सीधी भी हो गई। तो यहाँ पे अपनी नेक्सॉन भाई काफ़ी ज़्यादा जो है भाई स्पीड में जा रही है, और यहाँ पे गाइस अपनी नेक्सॉन ने भी अपने चैलेंज के लिए मुझे लगा था गाड़ी अपनी पूरी उल्टी नीचे आने वाली, क्योंकि जब ये उल्टी तो मुझे लगा था अब सीधा होना तो भाई मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जो गाड़ी अपनी सीधी हो गई भाई जैसे तैसे।
तो इसको मैं ना यहाँ पे पार कर देता हूँ। तो ज्यादा बारी आती है यहाँ पे अपनी टाटा सफारी डाइकोर की ओर। देखते हैं भाई अपनी डाइकोर है यहाँ पे कैसा करने वाले। वैसे गाड़ी तो उछलती बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इसकी सस्पेंशन सी कुछ ऐसे डिजाइन है कि भाई उछल बहुत ही ज्यादा उछलती है। और इसकी हालत कैसी हो गई है। और भाई साहब यहाँ पे गाड़ी जो है भाई अपनी बाहर आ चुकी है, उसकी मुंह जो है भाई आगे से पूरा का पूरा टेढ़ा हो चुका है। तो फिलहाल जो अपनी डाइकोर है यहाँ पे अपने चैलेंज में जो है भाई फेल हो जाते हैं। भाई डैमेज गाड़ी पे ना काफ़ी ज़्यादा आ गया है। तो कैसा बारी आती है यहाँ पे अपनी ह्यूंडई क्रेटा की। और देखते हैं भाई जो अपनी क्रेटा है भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है। तो ये चलिए अपनी क्रेटा यहाँ पर मुझे लग रहा है भाई ये गाड़ी भी ना नीचे तक पहुँच जाए क्योंकि इसकी कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पर क्रेटा काफ़ी ज़्यादा स्पीड में जा रही है। भाई डिग्गी खुल गई गाड़ी की। तो भाई साहब यहाँ पे भाई जब अपनी क्रेटा है भाई ये भी फेल हो गया। और जिस गाड़ी में बोलता हूँ भाई ये नीचे पहुंची यार वही फेल हो जाती है। पता नहीं क्या ही भाई मतलब उल्टा ही लॉजिक लग जाता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे डाइकोर की परफॉर्मेंस तो भाई आप लोग देख ही देखते हैं अपनी जो 2021 वाली सफारी है भाई ये कैसा परफॉर्म करती है। तो इसलिए यार अपनी 2021 वाली सफारी। और यहाँ पे गाइस गाड़ी जो अरे भाई तो यार यहाँ पे गाड़ी को क्या हुआ कुछ समझ नहीं आया। और कैसे भाई मतलब गाड़ी यहाँ पहुँच गई है देख सकते हो हेडलाइट वगैरह उड़ गई है। और ये भी ना अपना आधा रैम छोड़ के भाई आ गए। और गाड़ी का ना शेप कहीं ना पीछे से कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है। तो ना इसको मैं जल्दी से हटा देता हूँ। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी वेन्यू की। और देखते हैं भाई जो अपनी वेन्यू का सीन है भाई यहाँ पे कैसा रहने वाला है। और गाड़ी भाई अभी तक तो काफ़ी सही चल रही है। और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या सीन है अपनी वेन्यू का भाई साहब। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी वेन्यू है भाई ये भी यार उछल के बाहर आ चुकी है। डैमेज तो इतना कुछ ज़्यादा आया नहीं मुझे डैमेज दिख ही नहीं रहा है एक्चुअली। तो गैस यहाँ पे अपनी वेन्यू भाई ये भी जो है अपने चैलेंज में फेल हो चुकी है। तो गैस अब बारी आती है यहाँ पे अपनी भाई नन्नी मुन्नी यार अपनी सुजुकी स्विफ्ट की। और मुझे लग रहा है भाई अपनी स्विफ्ट भाई ये नीचे नहीं 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 इस बार नहीं बोलूँगा कि लग रहा है। तो देखते हैं यार होता क्या है क्योंकि मैं जब बोलता हूँ कि लग रहा है भाई तब कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ पे अपनी स्विफ्ट भाई काफ़ी बढ़िया स्पीड से जा रही है भाई। एक टायर इसका बाहर की तरफ आ गया और भाई ऑलमोस्ट अपनी गाड़ी पहुँच ही गई थी भाई। यार यहाँ पे अपनी स्विफ्ट भी जो है फेल हो गई है। तो गाइस अब बारी आती है यहाँ पे हमारी आज की आखिरी गाड़ी अपनी ह्यूंडई i20 की। और देखते हैं आज अपनी i20 भाई इसका यहाँ पे क्या सीन है। तो नीचे गाड़ी है इसको ना बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो ये चलिए अपनी i20 यहाँ पे। ओहो भाई उछल तो बहुत ही रही है ये भाई। काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो गई भाई 70 की स्पीड पर पहुँच गई ले वायर। तो गाइस यहाँ पर अपनी i20 भाई ये भी उड़ के जो है बाहर आ गई है। तो फिलहाल जब अपनी i20 ये भी अपने चैलेंज में फेल हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो भाई जब अपनी विनर कार से भाई जो अपना रैंप कंप्लीट करके यहाँ तक पहुँची है भाई वो आपके सामने खड़ी हुई है। और उम्मीद है यार आप लोगों को आज के हमारी वीडियो पसंद आई होगी। और जो हमारा ये पीछे इतना बढ़िया सा वाटर स्लाइड चैलेंज भाई ये भी पसंद आया होगा। और पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।